वेलकम टू माय चैनल प्रोफिट एंड लॉस में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अपने एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। जैसा कि मैं यहाँ पर शेयर का नाम टाइप करता हूँ ट्राइडेंट, हमारे पास शेयर आ गया। जो उसका प्राइस है आप देखोगे, लास्ट टाइम इसने जिसकी क्लोजिंग हुई थी करीब 14 रुपये 15 पैसे भी थी, और उसने लो बनाया था करीब 35 पैसे का लो। तो जो उसका ओपन प्राइस था वो 14 रुपये 50 पैसे था, और जो हमारा हाई गया था 14 रुपये 65 था, जो लो था 14 रुपये 5 पैसे जो जिसने लो बनाया था। अब हमें देखना है इसमें हमें पोजीशन बनानी कि नहीं बनानी। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के लिए मैंने साइड खोली और टिकट टैप, टिकट टैप के सबसे पहले हम फोरकास्ट पे आते हैं। फोरकास्ट पे जो हमारे पास एनालाइजर की रिपोर्ट मौजूद है उसके अकॉर्डिंग तीन, ये 100% बाय को कह रहे हैं ये, और सबसे और सिर्फ तीन एनालाइजर की रिपोर्ट मौजूद है इस पर, और ये स्टॉक एक डिविडेंड देता है, डिविडेंड पे करता है स्टॉक। ये आप यहाँ देखोगे डिविडेंड देता है। और अगर आप इसकी फाइनेंशियल पे आते हैं, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग देखते हैं इसका जो रेवेन्यू है इस साल लगातार, आप देखो ये है करीब इसके आसपास ही है, लास्ट थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कोई इतना भी बुरी बात नहीं है कि कोरोना था, आपको पता ही होगा। तो लास्ट टाइम जो इसके नेट इनकम आती है, नेट इनकम देखो, नेट इनकम इसकी ये रही है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट में कंपनी है। और हम इसमें बाकी आते हैं शेयर होल्डिंग पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो 73% प्रमोटर पर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ख़त्म है, शुरू में थी पर म्यूचुअल फंड ने वो होल्डिंग ख़त्म कर दी जैसे आपके आगे है। रिटेल के बाद थोड़ी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी है इसमें, और कोई भी इसमें सबसे बड़ी बात इसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इनक्रीज़ करी हुई है। तो अगर किसी को इसमें होल्डिंग, अगर किसी का लॉन्ग टर्म का अगर प्लान है तो इसमें वो पोजीशन ले सकता है, पर एक कोई बड़ी पोजीशन मतलब कुछ एक स्टॉक इसके बाय कर सकता है, कोई ऐसा इसमें में कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी पर। हम यहाँ टेक्निकल पे आते हैं, जब हम टेक्निकल चार्ट दिखाते हैं देखते हैं इसका, तो इसमें लगातार इस पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप ये देखोगे अब एक घंटे की भी, 5 घंटे की भी करेंगे तब भी सेलिंग प्रेशर है ही इसमें, पर लॉन्ग टर्म के ऊपर आएंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म प्लान है तो अभी इसमें थोड़ा वेट करो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, कुछ स्टॉक बाय कर सकते हो इसके। जो अब इसमें हम आ जाते हैं इसकी कैंडल स्टिक पे। कैंडल स्टिक पे हमारे चार्ट ओपन है, एक घंटे की कैंडल स्टिक का यूज़ किया है। जो हमारे पास यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आ रहा है स्टॉप लॉस का, वो आ रहा है करीब, आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर करीब 14 रुपये। अब 14 रुपये मान के चलो, 14 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है, और जो इसमें रेजिस्टेंस को फेस करना है अगर उसने इसको क्रॉस किया वो 14 रुपये 70 पैसे। अगर इसने इसको क्रॉस करता तो अगले लेवल से 15-16 रुपये का लेवल आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना ले सकते हो अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, पर अभी इसमें थोड़ी करेक्शन और होगी जो मेरे अकॉर्डिंग में लग रहा है, फिर भी देखने को मिलेगा। आप थोड़ा उसको वॉच लिस्ट में रखना, तो जो इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकता है वो बना सकता है, कोई इशू नहीं है, पर किसी शॉर्ट टर्म का प्लान है तो वो थोड़ा इसको वेट करे। और अगर कोई इंक्वायरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हो।